सब्सक्राइब करें सबका साथ चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक रिटेलर भाई हैं एयरटेल सिम के, जब आप सिम एयरटेल की एक्टिवेट कर देते हो, उसके बाद जब टेली वेरिफिकेशन करते हो और आपकी कॉल नहीं लगती है 5959 पे, और जब आपकी FRC हो जाती है सक्सेसफुल और उसके बाद भी आपकी कॉल नहीं लगती है, तो गाइस मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपकी कॉल 100% लग जाएगी। तो गाइस मैं आपको टेली वेरिफिकेशन के लिए आपको दो तरीके से बताने वाला हूं। अगर आप कीपैड फोन चलाते हो तो उसमें आपको कैसे करना होगा, और अगर आप एंड्रॉइड फोन चलाते हैं तो उसमें आपको टेली वेरिफिकेशन कैसे करना होगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आप एयरटेल सिम का टेली वेरिफिकेशन करते हो और आप डालते हो कीपैड फोन में सिम अपनी, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर अगर आपके नेटवर्क पास में R1 के आता है यानी कि रोमिंग लगा होता है, तो यहाँ पे आप जितनी बार भी कॉल लगाओगे तो आपका यहाँ पे फेल्ड हो जाता है हर बार। तो गाइस आपको क्या करना होगा, आपको इंतजार करना होगा जब तक आपका ये आर वाला रोमिंग वाला जो ऑप्शन होता है ये हट नहीं जाता, जब तक आप कॉल नहीं लगाए। आप मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करके खोलें, शायद आपका जल्दी हट जाएगा। अगर आपका फिर भी आर वाला ऑप्शन नहीं हटता हो तो आप एक बार सिम निकाल के दूसरे मोबाइल में डाल लें और फिर आपका 100% हट जाएगा और आपकी कॉल लग जाएगी 5959 पे, फिर आपका सक्सेसफुली टेली वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको FRC करनी होगी, FRC करने के बाद आपकी सिम स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस अगर आप स्मार्टफोन यानी कि 4G एंड्रॉइड फोन या 5G एंड्रॉइड फोन में अगर सिम को टेली वेरिफिकेशन करते हो एयरटेल की सिम को, तो जब आप कॉल लगाते हो 5959 पे और आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सेटिंग्स में क्या करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा और देखें मोबाइल नेटवर्क पे ओके करना होगा, 4G पे सिलेक्ट करना होगा और देखें डाटा रोमिंग भी ऑन रखना होगा, तभी आपकी कॉल लग जाएगी। अगर आपकी फिर भी कॉल नहीं लगती है तो मैं एक सेटिंग और आपको बता देता हूं। तो आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा और यहां पे कनेक्शन पे ओके करने के बाद मोबाइल नेटवर्क पे ओके करना होगा। नेटवर्क पे ओके करने के बाद देखें यहाँ पे आपका जो नेटवर्क आता है 4G 2G 3G, तो यहाँ पे आपको कॉल करने के लिए जब आप टेली वेरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको 2G में कर लेना होगा। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको कॉल करनी होगी 5959 पे और आपको आधार कार्ड नंबर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बतानी होगी। उसका दोस्तों यहाँ पे आपका सक्सेसफुली टेली वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको FRC करवानी होगी। FRC के बाद जब आपका यहाँ पे रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपका सिर्फ डाटा तो ऑन हो जाता है लेकिन आपकी कॉल नहीं लगती है। दोस्तों ये दिक्कत सिर्फ एंड्रॉइड फोन में आती है, अगर आप एंड्रॉइड फोन में सिम डालते हो 4G वाली, इसके लिए आपको सबसे पहले एयरटेल का थैंक्स ऐप डाउनलोड करना होगा और उसमें आपको मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपकी 100% कॉल लगने लगेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए।